बसमिल इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट सर्वाइकल स्पाइन इंस्टेबिलिटी सर्वाइकल स्पाइन इंस्टेबिलिटी होती क्या है इसको डिफाइन ऐसे क्या होगा कि एज एन इनबिलिटी द स्पाइन अंडर फिजोलॉजिकल लोड टू मैंटेन इट्स नॉर्मल पैटर्न ऑफ डिसमेंट सो देट दर इज नो न्यूरोलॉजिकल डैमेज और इरीटेशन नो डिवेलपमेंट ऑफ डिफॉर्मिटी नो इनकैपीकेटिंग पेन मतलब ये कि सर्वाइकल इंस्टेबिलिटी इनबिलिटी हो जाएगी स्पाइन की कि वो नॉर्मल जो फिजोलॉजिकल लोड्स हैं उनको मेंटेन कर सके अगर वो उनको मेंटेन नहीं करेगी तो हमारे पास क्या होगा न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है इरिटेशन मिल सकती है डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी मिल सकती है डिजेनरेटिव चेंजेस मिल सकती हैं इनकेप्सिकेटिंग पेन मिल सकती है सही स्पाइनल स्टेबलाइजिंग सिस्टम की अगर बात करें सर्वाइकल स्पाइन जो हमारे पास है वो अपनी मोबिलिटी की वजह से स्टेबिलिटी को उसकी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है सबसे ज़्यादा मोबाइल रीजन होता है हमारे पास सर्वाइकल स्पाइन uh, के अंदर सर्वाइकल रीजन तो उसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर रीजनस अब हमारे पास अगर स्पाइनल स्टेबिलाइजिंग सिस्टम की बात करें तो हम इनको तीन सिस्टम में डिवाइड करते हैं फर्स्ट वन इज़ द पैसिव सबसिस्टम पैसिव सबसिस्टम के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो पैसिवली स्टेबलाइज स्टेबलाइज कर रही होती हैं स्पाइन को इसमें हमारे पास वटीपे आ सकती हैं फेसेज जॉइंट्स आ सकते हैं डिस्क आ सकती है स्पाइन लिगामेंट्स होती हैं जॉइंट कैप्सूल्स होते हैं एक्टिव सब सिस्टम के अंदर हमारे पास स्पाइनल मसल्स मसल्स एंड टेंडेंस यूज होते हैं और कंट्रोल सिस्टम हमारे पास न्यूरल फीडबैक इस्तेमाल हो रहा होता है न्यूरल कंट्रोल सेंटर्स एंड फोर्स ट्रांसड्यूसर लोकेटेड इन लिगामेंट्स एंड टेंडेंस एंड लिगामेंट्स अब हमारे पास है कि ये तीनों सिस्टम मिल हमारे पास स्पाइन को स्टेबलाइज कर रहे होते हैं काज क्या होते हैं हमारे पास स्पाइनल इंस्टेबिलिटी के कोई भी किसी का किसी किस्म का को कोई ट्रोमा हो गया डायरेक्ट सर्वाइकल रीजन पे उसकी वजह से हमारे पास इंस्टेबिलिटी आ सकती है इसके अलावा हमारे पास कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो सकती है उसमें एनकलाइजिंग स्पॉन्डलाइटस हो सकते हैं रूमोटाइडराइटस हो सकते हैं किसी किस्म की डिस्ट्रक्टिव प्रोग्रेसिव चेंजेस आ रही हैं हमारे पास सर्वाइकल स्केलेटन स्ट्रक्चर्स के ऊपर तो वो भी कॉज करेंगे हमारे पास सर्वाइकल रीजन पर इंस्टेबिलिटी मोस्ट कॉमन रीजन जो इफेक्ट हो रहा होता है हमारे पास सर्वाइकल स्पाइन में सी फोर हमारे पास रीजन होता है और अपर सर्वाइकल स्पाइन होती है कंजेनिटल भी हमारे पास सिंड्रोम्स होते हैं कुछ जिनके अंदर कंजेनिटल सिंड्रोम ऐसे जिनके अंदर कि हमारे पास सर्वाइकल स्टेबिलिटी मिल रही होती है उनमें डाउन आ सकते हैं एहलड एंड लॉज आ सकते हैं इसके अलावा भी हैं अब हमारे पास एक एक जो इंस्टेबिलिटी एटलेंटो एक्सल इंस्टेबिलिटी है यह हमारे पास डिवेलपमेंटल अनोमली के अंदर मोस्टली पेशेंट्स ऑफ द डाउन सिंड्रोम में प्रेजेंट होती है डिसेंट कोई भी किसी किस्म की नेक हेड या डेंटल सर्जरी हुई है तो उन पेशेंट में भी हमें सर्वाइकल इंस्टेबिलिटी मिल रही होगी अगर हम लोग बात करें कि स्टेबिलिटी जो फैक्टर होता है हमारे पास किसी भी रीजन की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास नेसेसरी होता है कि उस रीजन की मूवमेंट्स को उसकी काइनामेटिक्स प्रॉपरली हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी स्टेबिलिटी भी प्रॉपर हो सही अगर हमारे पास जो न्यूट्रल सिंपल अगर न्यूट्रल जोन की बात करें तो उसके अंदर जो सर्वाइकल स्पाइन है उसमें स्लाइटली डोडोसिस प्रेजेंट होते हैं तो नॉर्मल नॉर्मल फिजोलॉजिकल मूवमेंट्स के दौरान या फिर न्यूट्रल जोन के जोन की अंदर ही जो हमारे पास कंप्रेसिव फोर्सेस होती हैं अगर फेसड जॉइंट्स हमारे पास इंगेज हैं सर्वाइकल स्पाइन में तो वन थर्ड ऑफ द कंप्रेसिव स्पोर्सेज को तो वो क्या कर रहे होते हैं है? फेसिड जॉइंट होते हैं वो बियर कर रहे होते हैं अगर हमारे पास पैसिव स्टेबिलिटी लॉस हो जाए पैसिव स्टेबिलिटी के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि हमारे पास वर्टीबी होती है से ज्वाइन इंटरवर्टिबल डिस्क लिगामेंट्स एंड ज्वाइंट कैप्सूल अगर इनमें इन सब में से कोई किसी में कोई मसला आ जाता है तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि जैसे अब वो किन में हो सकता है कोई किसी किस्म की कोई ट्रॉमा हो गया विप विप प्लैश एसोसिएटेड कोई भी इंजरी हो सकती है किसी किस्म की इंजरी है या फिर कोई पुअर पोस्टर की वजह से हमारे पास पैसिव स्टेबिलिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है अगर वो लॉस हो रही है तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो लुडोस था जो सर्वाइकल स्पाइन स्पैंड प्रेजेंट था वो लॉस हो जाएगा उसकी वजह से फिर से ज्वाइंट डिसंगेज हो जाएंगे फिर से ज्वाइंट्स के डिसंगेज होने की वजह से जो फोर्सेज वो बेयर कर रहा था अब वो वो बेयर नहीं करेगा बल्कि अब वो क्या हो जाएंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे फॉरवर्ड जब वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएंगी हमारे पास तो वो सारा का सारा फोर्स बेयर अप करेगी डिस्क डिस्क के ऊपर सारा फोर्स जाएगा तो ग्रेजुअली क्या होगा अगर डि डिस्क जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी अपनी हाइट को लूज करना इसके अलावा हमारे पास क्या है इसका इफेक्ट हो गया कि एनुलस ऑफ द डिस्क जो हमारे पास होगी वो स्ट्रेच आउट होना स्टार्ट हो जाएगी वीक होना शुरू हो जाएगी इसके अलावा बॉडी पे क्या चेंजेस आएंगे वोटी पे बॉडी पे कि वो लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी ट्रैक्शन ट्रैक्शन स्पोर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे वो क्यों बन रहे हैं कंपनसेट करने के लिए जो कि वर्टिकल कंप्रेसिव फोर्सेज इंक्रीज हो गई हैं बॉडी के ऊपर डिस्क के ऊपर इंटीरियरली बिकॉज ऑफ द डिसंगेज होना फेस ज्वाइंट के डिसंगेज होने की वजह से तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली में क्या हुई हैं ये डीजेनरेटिव चेंजेस आई हैं ठीक है थीके? इसके तो ये सब कॉज करेंगे हमारे पास सर्वाइकल इंस्टेबिलिटी अब अगर इवेलुएट करना हो कोई पेशेंट आ रहा है और उसके हम लोगों ने इवेलुएट करना हो कि इसको सर्वाइकल इंस्टेबिलिटी इसमें है तो हम लोग किस बेसिस पे करेंगे कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिनको हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये हैं तो फिर फिर हम उसको कैटेगराइज करेंगे कि ये इंस्टेबिलिटी के पेशेंट है सर्वाइकल इंस्टेबिलिटी का अगर जो पेशेंट आया उसके पास सबसे पहले तो उसके पास कोई ना कोई हिस्ट्री होगी किसी किस्म की एक्सेलरेशन इंजरी कोई हुई हुई है उसको सर्वाइकल सेगमेंट पे या हेड रीजन में या फिर उसके पास कोई ऑक्यूपेशनल रिलेटेड उसकी इंजरी होगी ये क्या होती है कि मतलब किसी आ वो जो काम कर रहा है वर्क रिलेटेड इंजरी मतलब कहीं जहाँ काम कर रहा है वहाँ पे वो लगातार प्रोलोंग वो एक ही सेम पोस्चर के अंदर वो बैठ के काम करता है जिसकी वजह से डिजनरेटिव चेंजेस और लोडोस और फॉरवर्ड हेडिड पोस्चर उसमें आ सकता है वो वो चीज़ें उसके अंदर डी चेंजेस लेके आ रही हैं और वो उसके अंदर सर्वाइकल स्टेबिलिटी का कॉज बन रही है और जो ट्रोमा का मैंने कहा था, कोई इंजरी अगर हुई है तो इंजरी में क्या हो सकता है कोई लिगामेंट का टीयर हो गया तो जो उन्होंने पैसिव स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी थी अब वो नहीं करेंगे तो सारा का सारा जो लोन होगा बाकी जगह पे ज्यादा जाएगा जो कि टीचर नेटिव चेंजेस कॉज करेगा तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा कि पेशेंट को पेन फील होगी पेशेंट पेशेंट प्रॉपरली मूवमेंट्स परफॉर्म नहीं कर सकेगा इसके अलावा क्या हो सकता है कि हाइपरट्रॉफी हो सकती है किन मसल्स की इंटीरियर नेक के एंटीरियर चेस्ट के और मसल्स के हमारे पास हाइपरट्रॉफी मिल सकती है स्कैपुला की प्रोटेक्शन के साथ पेशेंट आ रहा होगा हमारे पास उसकी क्लेविकल का अगर हम लोग देखेंगे उसको असेस करेंगे तो हमारे पास क्लेवल क्लेविकल भी हमें एलिविएट मिलेगी इसके अलावा हमारे पास क्या होगा कि जब हम लोग उसकी इमेजिंग करवाएंगे एक्स्ट्रा इमेजिंग अगर हम लोग करवा लें डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर तो उसमें हमारे पास लुडोसिज हमें उसके जो लुडोसिज़ है वो डिक्रीज मिलेगा और इसके अलावा हमारे पास इमेजिंग से हमें पता चलेगा कि उसके फेसेज की सबलाइजेशन पता चल सकते हैं लिगामेंटस डैमेज हो सकते हैं उस टिफाइट्स की फॉर्मेशन फा, जो कि हमारे पास पीछे मैंने बताया था कि बॉडी के ट्रैक्शन स्पोर्ट बनना शुरू हो जाएंगे जो एक्चुअली के अंदर हमारे पास उस टिफाइट्स ही होंगे इसके अलावा डिस्क की डिजनरेशन स्टार्ट हो जाएगी अगर वो पोस्टर ऐसे ही रहता है प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर वो उस पर कोई भी वर्कआउट नहीं करता उसको ठीक नहीं करता तो वो दिन ब दिन ये कंडीशन स्वेयर होती जाएगी इसके अलावा वट वर्ट, वर्ट, वर्टी ब्रिट्स की डिस्प्लेसमेंट हमें मिल सकती है एबेड मोशन इन मिड रेंज ऑफ द एक्टिव सर्वाइकल मूवमेंट हमें मिलेगा क्रॉनिकडिक हेडिक किस किस लेवल पे हो सकती है ऑक्सीबेट लेवल पे फ्रंटल पे रिट्रो ऑर्बिटल पे इसके अलावा नैक नेक पेन की पेशेंट पेशेंट कहेगा कि उसको नेक में पेन होती है आ, इसके अलावा पेन उसको शोल्डर रीजन में आ, इंट्रा कैप्सुलर हमारे पास जो रीजन होगा वहाँ पे उसको पेन पेन का वो कहेगा कि मुझे यहाँ पे पेन होती है Uh, कुछ पेशेंट हमारे पास क्या होता है कि ए सिम्टोमेटिक पीरियड भी होता है मतलब कि उनके मतलब शुरू के अंदर मतलब नहीं हो रही है पर अगर वो कंडीशन रह रही है उसको वो नहीं ठीक करे उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं करे कोई एक्सरसाइज नहीं करे तो उसमें फिर हमारे पास हो सकता है कि उनकी इन uh, फ्यूचर उनको सिम्टम्स आना भी स्टार्ट हो जाए इसके अलावा एक्यूट एपिसोड ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ सर्वाइकल स्पाइन भी हमें मिलेगी इन पेशेंट्स के अंदर इनकी जो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन होगी उनकी पैसिव रेंज ऑफ मोशन जो सिंपल आने पे हम लोग फ़ौरन से परफॉर्म करवाएंगे तो वो हमारे हमें लिमिटेड मिलेगी एक्टिव और पैसिव दोनों हमारे पास लिमिटेड यहाँ मिल रही होंगी uh, सबसे ज्यादा जो हमारे पास अगर रीजन की बात करें सी फोर सी फाइव जो इन्वॉल्व होता है वो रीजन हमारे पास हाइपर मोबाइल मिलेगा और उसके अबव और सी फाइव से बिलो के रीजन हमारे पास क्या मिलेंगे रिस्ट्रिक्टेड हाइपर मोबाइल मिलेंगे और इसके अलावा हमारे पास इसमें इन पेशेंट्स में फॉरवर्ड हेडिड पोस्चर भी मिल सकते हैं न्यूरोलॉजिकल अगर मैं टेस्ट परफॉर्म करवाऊँ उनके ऊपर तो हमें क्या होगा कि अगर उनके अंदर न्यूरोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करवाए गए हैं उनमें पेन नमनेस और न्यूरोजेनिक सिम्टम्स अगर हमें मिल रहे हैं तो मतलब कोई ना कोई जो इनकी ये इंस्टेबिलिटी है ये कोई कंप्रेसिव फोर्सेज और कंप्रेशन क्रिएट कर रही है इंट्रोवोटल फोनिना पे जिसकी वजह से हमारे पास क्या है कि नर्व की कंप्रेशन नर्व की पिंचिंग हो रही है जो हमारे कॉज करेंगे सर्वाइकल रेडिकलोपैथी कॉज कर सकती है अगर स्पाइनल कॉल को आ, वो कंप्रेशन क्रिएट करेंगी तो हमारे पास सर्वाइकल हो सकती है तो जिसकी वजह से हमारे पास न्यूरोलॉजिकल साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे तो इस तरह न्यूरोलॉजिकल टेस्ट इनमें पेशेंट्स में भी आ, हमारे पास नेगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव भी आ सकता है वो डिपेंड कर रहा होता तो है कि कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा इसके अलावा जो मल्टीफाइड है हमारे पास मसल है जो कि सेगमेंटल गार्डनिंग उस दे रहे होंगे एट अ टाइम उस रीजन के बाद जहाँ पे कोई भी थीर कोई भी ट्रोमा कोई भी इंजरी हुई है तो वो लगातार कंटिन्यू स्पेजम कंट्रैक्टेड फॉर्म में रहने की वजह से वहाँ पर क्या हो सकता है कि एक तो मसल एक्यूट एक्यूटली इन्फ्लेम्ड हो सकता है हाइपर हो सकती है रबरी फीलिंग आ सकती है और पेन हो सकती है उस रीजन के अंदर और जो स्टनक फ्लूडेमस मसल होगा इसकी भी हमें हाइपर मिलेगी हमारे लोकलाइज एरिया में और साथ साथ इसकी फाइब्रोसिस भी मिल सकती है एक्यूटली टेंडरनेस भी मिलेगी इस रीजन में अगर हम लोग उसको चेक करेंगे पेल्पेट करके इसके अलावा हमारे पास जो लोंगस गुलाय मसाला है इसका भी हमारे पास कंटिन्यूज में चला जाएगा तो उसमें भी हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन मिलेगी